मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह अपने परिचितों और दोस्तों के लिए सिर्फ वीरेंद्र। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ, शिक्षा और परवरिश वहीं हुई। जीवन में जो कुछ देखा, सुना, समझा, पाया, सब वहीं से। आज जब मैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर अपनी कविताओं का पाठ करता हूं, तो उनमें उड़ीसा के संस्कार होते हैं और होती है वहां की मिट्टी की खुशबू। अपनी उसी उत्कल जननी को रेखांकित करती और उसकी शुभ पावन स्मृति को समर्पित मेरी यह कविता। जगत के नाथ को मन में बसाए प्रांत उत्कल है, यहां मीलों समंदर है, यहां नदियों की कलकल है, यहां झीलें, यहां झरने, यहां पर्वत हैं, जंगल है, यहां इतिहास के सीने में कोई एक हलचल है। कोई राजा यहां संहार कर बुद्धत्व पाता है, मनुजता जीत जाती है कि पौरुष हार जाता है। यहां हर एक घर में आस्था का दीप जलता है, यहां कोणार्क को स्पर्श कर सूरज निकलता है। यहां उपेंद्र और मेहर की कविता का खजाना है, यहां जयदेव के छंदों का कान्हा भी दीवाना है। यहां पर गीत गोविंद को लिए हर सांस चलती है, यहां श्रृंगार में आध्यात्म की ही ज्योत जलती है। जवन हो साल बेग जब प्रभु के गीत गढ़ता है, तो हर पद बेझिझक सोपान श्री मंदिर के चढ़ता है। यहां पर बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख गुरु तत्व हैं पाते, उदय और खंडगिरी मिलकर पुरातन मंत्र दोहराते। यह है चैतन्य की भक्ति, यहां श्रद्धा की धारा है, यहां की कला का पूजक तो ये संसार सारा है। यहां चांदी की नक्काशी, यहां है शिल्प पिपली का, यहां चिल्का की सुंदरता, यहां स्तूप धवली का, यहां की मूर्तियों में जिंदगी के रूप मिलते हैं, यहां के पत्थरों में भावना के फूल खिलते हैं, यहां संबलपुरी साड़ी सभी का मन लुभाती है, छेना पोड़ा रसगुल्ले की चाहत खींच लाती है। यहां जन जन में यात्रा और पाला ज्ञान के साधन, यहां संगीत का होता रहा है सदा आराधन। हरिचंदन, सुनंदा, बाल कृष्ण गायकी के स्वर मिलाते सुर, सिकंदर, प्रणव, अक्षय और प्रफुल्ल कर। भिखारी बल भजन के सुरों से करुणा जगाते हैं, बलदेव रथ चंपू काव्य को आदर दिलाते हैं। राधानाथ जगन्नाथ दास की ये जीवंत कविता है, ये सरला दास के कृतत्व की निर्बाध सरिता है। शरद पुजारी साधु मेहर की अभिनय कुशलता है, प्रशांत नंद, उत्तम, श्रीराम,
महाश्वेता की सफलता है। यहां पे जतिन रंगों की नई दुनिया सजाते हैं, सुदर्शन उंगलियों से रेत पर प्रतिमा बनाते हैं। ये धरती फकीर मोहन सेनापति वर्णित कहानी है, मनोज दास के साहित्य में इसकी ही वाणी है। ये गोपबंधु मधुसूदन के अथक श्रम की निशानी है। ये धरती बीजु पटनायक के जज्बों की रवानी है। ये गोपीनाथ सचिदानंद सीताकांत की ख्याति, उन्हीं की तरह प्रतिभाराय ज्ञान पीठ है पाती। यहां केलूचरण रघुनाथ संयुक्ता की त्रिवेणी, जो देते नृत्य गायन को जगत में श्रेष्ठतम श्रेणी। उड़ीसा की ये भूमि अपना गौरव खो नहीं सकती, उड़ीसी नित नवेली है वो बूढ़ी हो नहीं सकती। यहां हैं खनिज के भंडार, प्रकृति का खजाना है, यहां सदियों पुरानी सभ्यता का ताना बाना है। पुरातन और नूतन का यहां अद्भुत समागम है। यहां की जिंदगी में ताल लय गति एक सरगम है। यहां हर क्षेत्र में हर दिन नए चेहरे उभरते हैं, नए संकल्प में प्राचीन को जो पुष्ट करते हैं। मेरे प्रदेश के आकाश में अगणित सितारे हैं, सभी गुणवान हैं, प्रतिबद्ध हैं, सबके दुलारे हैं। सभी का नाम ले पाऊं बहुत ये काम है मुश्किल, मगर मां भारती के हार में ये पुष्प हैं शामिल। ऋषि मुनियों से लेकर आज तक का सार है इसमें, नए भारत के स्वप्नों का सकल विस्तार है इसमें। कोई हिंदुस्तानी जब भी राष्ट्रीय गान गाता है तो उसकी वंदना में अंश उत्कल का भी आता है। कोई हिंदुस्तानी जब भी राष्ट्रीय गान गाता है तो उसकी वंदना में अंश उत्कल का भी आता है। तो उसकी वंदना में अंश उत्कल का भी आता है। तो उसकी वंदना में अंश उत्कल का भी आता है।